नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पटना के पुनपुन में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देर रात पुनपुन के बढ़िया कोल शादी समारोह से आने के दौरान सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेई मेंस 2024 के सेशन 2 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के नील कृष्ण ने AIR 1 लाकर एग्जाम में टॉप किया है। इसके साथ ही 56 और कैंडिडेट्स को 100% मिला है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को फेयर प्ले पर साल 2023 के IPL का अवैध रूप से प्रसारण कर वायकॉम का करोड़ों का नुकसान करने के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सॉन्ग लॉन्च करेगी। आप अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव लड़ी है। आबकारी मामले में 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार व मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि इस बार बड़े बड़े काम करने हैं। बीजेपी को 4 से पार करना है और POK भी लेना है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि PM मोदी ने इंडिया गठबंधन की सारी पोल खोल दी है। इस गठबंधन का देश के लिए कोई मिशन नहीं है, ये बस अपना भ्रष्टाचार लेकर आए हैं। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? अमेरिका में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इन छात्रों की मांग है कि सरकार इजराइल के साथ व्यापार बंद कर दे। इसके साथ साथ गाजा में चल रहे युद्ध का समर्थन करने वाली किसी भी कंपनी के साथ रिश्ते खत्म कर दे। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ कल बुधवार शाम रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला। ओडिशा के अंगुल जिले के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में कई बिजद नेता और समर्थक भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख और बहरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अधीर रंजन चौथन ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर पार्टी की चुनावी संभावना को प्रभावित करने के इरादे से पुलिस कर्मियों द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा कि जब संविधान की बात आती है तो किसी व्यक्ति की राय मायने नहीं रखती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान में बदलाव नहीं किया जाएगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल की कारा संख्या 3 के अंदर बुधवार सुबह आपस में भिड़ने से 4 कैदी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2 अलग अलग गिरोह के कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने आगरा सुरक्षित से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। फतेहपुर सिकरी सीट पर मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरांगे ने मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 12 वर्षीय एक आदिवासी लड़की की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 19 अप्रैल को हुई। मिनी नार्वेकर को लेकर चल रही चर्चाओं पर CM एकनाथ शिंदे ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मिलिंद नार्वेकर को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें खुश रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के करीबी रहे संजय शिरसागर बुधवार 24 अप्रैल को शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार 24 अप्रैल को प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 8 सीटों पर 204 उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। संजय लीला भंसारी की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के रिलीज होने में चंद दिन ही बचे हैं। इसी बीच इस शो का पहला रिव्यू भी आ गया है। ये थी आज के टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।